गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। यह आपका पार्ट सेवन वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट सेवन वीडियो में क्वेश्चन नंबर 22 पे है, कह रहा है कि एक वृत्त का एक चाप दिया गया है ना, वृत्त का एक चाप दिया हुआ है, तो दिखाइए कि वृत्त को किस प्रकार पूरा किया जाएगा। मतलब आपको वृत्त बनाना है, वृत्त किस तरह पूरा होगा। तो देखिए, एक्चुअली हमारे पास तो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसे आपको ये कंस्ट्रक्ट करके दिखाएंगे, लेकिन हम आपको ओरली इसको समझा देते हैं। चलिए देखिए, एक चाप हो गया, चाप हम खींच लिए किसी तरह। अब देखिए है ना, आप प्रकार से खींच लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस पे तीन बिंदु लेते हैं, एक बिंदु ए लेते हैं, एक बिंदु यहाँ बी लेते हैं और एक बिंदु सी लेते हैं, ठीक है। और इन इनसे दो जीवा खींचते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हो गया, ठीक है, और एक ये रहा। अब इसका समद्विभाजक करेंगे, यानी कि इसका लंब समद्विभाजक करेंगे इन दोनों रेखाओं का, AB का और BC का। तो AB और BC का लंब समद्विभाजक पता है कैसे होगा, है ना, ये इसका हो गया, ठीक है। उसी तरह इसका किस तरह से खींचिएगा, तो इस तरह से खींचिएगा इसका लंब समद्विभाजक, ठीक है। तो यहाँ से फाइनली जहाँ इंटरसेक्ट करेगा ना, वही देखिए यहाँ पे इसका क्या कहलाएगा, इसका केंद्र कहलाएगा वृत्त का, ठीक है। तो ये लंब समद्विभाजक कैसे खींचे जाता है, तो आपको कल भी बताए थे, पिछले वीडियो में भी बताए हुए हैं। जैसे ए बी है तो इसके आधे से ज्यादा नाप कर इधर काटा जाता है, फिर इस पे रख के इधर काटा जाता है, और फिर इस पे रख के इधर काटते हैं, और फिर इस बी पे रख के इधर काटते हैं, और जहां मिलता है इसको ऐसे खींच देते हैं। उसी तरह ये भी खींचा गया है, आप प्रकार से खींच लीजिएगा, इस पे रख के इधर काटिएगा और फिर इधर काटिएगा, ठीक है, और फिर सी पर रख के इधर काटिएगा और इधर काटिएगा, और दोनों जहां मिलेगा वो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वृत्त का केंद्र पता चल जाएगा। और जब केंद्र मिल जाएगा तो यहाँ पे प्रकार का नोक और इस ए चाहे बी चाहे सी किसी भी बिंदु पर पेंसिल का रेख करके ऐसे गोल घुमा देंगे तो आपका वृत्त बन जाएगा। चलिए तो हम देखिए, इसको घुमा दिए यहाँ पे ओ बिंदु पर रखकर और ए बिंदु पर पेंसिल का नोक रख के ऐसे गोल घुमाइएगा तो ये आपका वृत्त बन जाएगा। तो इसमें क्या किया है आपको, तो आप लिए है चाप पर तीन बिंदु ए बी तथा सी लिए, ठीक है, तीन बिंदु लिए हैं, ए बी सी लिए हैं। अब क्या किए हैं, ए बी तथा बी सी को मिलाकर इनका लंब समद्विभाजक खींचे, इनका लंब समद्विभाजक खींचे, लंब समद्विभाजक खींचे, ठीक है, लंब समद्विभाजक खींचे हैं। अच्छा, तो लंब समद्विभाजक कौन कौन सा खींचे हैं, इसको मान सकते हैं एलएम, या ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों लंब समद्विभाजक रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु वृत्त का केंद्र होगा, ठीक है, वृत्त का केंद्र होगा। जब वृत्त का केंद्र पता चल गया तो आप OA त्रिज्या हो जाएगी ना, तो इसी को लेके वृत्त बना दिए, समझ गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन दे दिया, आप प्रकार से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला